Hi guys, it's me Pratha. Welcome back to my YouTube channel. So in this video, it's a day in my life, or maybe a productive study routine or a study vlog. So yes, first I went to my physics tuition and then I went to Starbucks because I was home alone क्योंकि मैं राखी पे नानी के घर नहीं गई क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था. So I went to Starbucks and वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली था. सुबह बहुत जल्दी चले गई थी मैं, जल्दी तो नहीं मैं लाइक 10 तो कोई भी नहीं था. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई टेस्ट जिसके अंदर सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा था. सो आई वॉज रिवाइजिंग दैट एंड येस एंड मैंने हाफ एन आवर बैठा एंड आफ्टर दैट फिर मैं घर आ गई. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. My hair looks so volumized, but yes, wo hai ki kaise. I'm home alone and I'm making my own lunch. So I'm making rice. Matlab main ise bahar se bhi kha sakti thi, but craving for mere khud ke hath ke rice. If you know, main bahut acha rice banati hu. So bahut zyada ganda ho raha hai mera kitchen and I would not like to show the mess. But I can though, but never mind. Bye. ये आईज में बहुत दुख रहा है, शायद मुझे चश्मा लग गया. वो भी बहुत ज्यादा पावर के, मेरे बाल कितने गंदे लग रहे हैं. मैं खुद ही बहुत ज्यादा गंदी लगती हूँ. छी यार, ये सब क्या है. Guys, it's me Pratha. In this video, I'm going to prepare for my boards. Like not for boards, but yes, क्योंकि मुझे आगे जाके time नहीं मिलने वाला है. ऐसा teachers है suggest कर रहे हैं कि तुम अभी से ही अपनी boards की preparation चालू कर दो. मतलब हाँ, क्योंकि मेरा main focus नीट है, क्योंकि मैं already 2 साल से prepare कर रही हूँ उसके लिए. तो of course मेरा main focus वही रहेगा. तो boards भी इस साल, तो उसके लिए भी पढ़ना है, क्योंकि 12th में अच्छे marks तो definitely चाहिए ही. क्योंकि इतना पढ़ रहे हो, दो कोचिंग जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स एंड मेरा खुद का मन है कि मुझे बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज चाहिए. और मुझे लगता भी है मैं ला सकती हूँ, क्योंकि मैं नीट के लिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा पढ़ती हूँ. मतलब इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, मतलब हाँ, मतलब मुझे आता है, मेरी उतनी लर्निंग कैपेसिटी है कि मैं उतना पढ़ सकती हूँ. तो मैं बोर्ड्स में तो आई गेस ला सकती हूँ, बट हाँ, डेरिवेशन एंड ऑल बहुत मेहनत लगती है रटने में. एंड या आई वॉज गोइंग थ्रू फिजिक्स की एनसीईआरटी, क्योंकि मैग्नेटिज्म ये सब एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है. बट हाँ, मैं इसके ना दूसरा वाला चैप्टर पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी से ज़्यादा समझ आता है. क्या पता नहीं क्यों, मैं कहाँ से कौन सी मिट्टी से बनी हूँ, बट हाँ, मुझे एनसीईआरटी से ज़्यादा समझ आता है. तो एंड वैसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हर साल आते ही है 4-5, तो 20 marks के आते हैं ऑलमोस्ट. तो उसके लिए भी आई वॉज गोइंग थ्रू माई एनसीईआरटी एंड मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ रही थी फिजिक्स की एनसीईआरटी. एंड हाँ, एंड इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस ये सब मार्क करी एंड यस. हियर आई एम यूजिंग दिस बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशंस. इट हैज़ लाइक 3-level डिविजन ऑफ द सॉल्व क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड स्किल वाइज PYQs 2013 से लेकर 2023 तक. CBSE बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये बुक मुझे. एंड ये इससे स्किल वाइज डिविजन डिवाइड्स द क्वेश्चन इन टू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन. सो मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी कि बोर्ड्स के लिए कौन सी बुक अच्छी रहती है. सो आई गेस दिस इज़ द वन. एंड मेरे पास बायो वाली है अभी, एंड इसके अंदर 11 years ऑफ सॉल्व पेपर्स विथ सम सैम्पल पेपर्स भी हैं एंड एररलेस सॉल्यूशंस विथ स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम एंड साथ में टॉपर्स के आंसर्स भी दे रखे हैं. फ्रॉम 2021 टू 2023 पेपर्स भी दे रखे हैं एंड टॉपर्स के आंसर्स देख कर एक बार समझ आ जाता है कि किस तरीके से लिख कर आना है एग्जाम में. सो येस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये बुक. एंड येस, मैं यही बुक यूज़ कर रही हूँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी. एंड जिसके अंदर हाईलाइटिंग टिप्स दे रखी है, ट्रिक्स दे रखी है, अल्टरनेट सॉल्यूशंस एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर भी दे रखे हैं.
एंड ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट 5 years 2023 से लेकर 2029 तक के. हियर आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. मैं देख रही थी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इवन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर एडवाइज्ड मी दैट सॉल्व एटलीस्ट 6 questions डेली, मतलब एनसीईआरटी के 6 questions एंड प्रीवियस ईयर के या फिर सैम्पल पेपर के, कि जिससे तुम्हारी लिखने की हैबिट ना जाए. क्योंकि एज आई एम अ डमी स्टूडेंट, आई एम नॉट अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो मुझे लिखने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है. सो दैट्स वाई मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ इससे क्वेश्चंस. एंड डेफिनेटली इससे ज़्यादा पावरफुल बुक कोई और नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, मतलब बोर्ड्स में. एंड इट्स मोर देन एनफ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इतना पढ़ लोगे, इतने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू राइट क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम्स, मीन्स लाइक आंसर इन योर एग्ज़ाम्स, मतलब कैसे किस तरीके से लिखना है, टॉपर्स ने कैसे लिखा है, तो एक आइडिया मिल जाता है. एंड येस, इसके अंदर से मैंने ऑलमोस्ट अब तक तो आधी बुक सॉल्व कर ली, क्योंकि हमारा कोर्स हो ही गया, सिर्फ 4 chapters बचे, तो मैंने तो पूरी बुक ही सॉल्व कर ली है. तो यस, एंड सारी बुक्स अवेलेबल है उनके पास, यूईटी की भी है एंड बाकी भी सारी फिजिक्स केमिस्ट्री की. द लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. एंड यस, पिंक लग रहा है जबकि आई एम लिटरली बेयर फेस राइट नाउ. आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ. ये मैंने एक सस्ती सी मीम वो रिक्रिएट करी है जो समझ भी नहीं आई होगी किसी को, बट ओके नेवर माइंड. इट्स 2. आई लिटरली वेस्टेड द हाफ डे स्क्रोलिंग थ्रू माय फोन. मैं घर पे इसलिए रुकी हूँ, नानी के घर इसलिए नहीं गई हूँ ताकि मैं पढ़ सकूँ. एंड मैं क्या कर रही हूँ, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ मी. आई नो शी विल. क्या पता नहीं क्या होगा, मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ. प्रथा बेटा पढ़ लो. आई एम गोइंग टू गो एंड स्टडी. आई एम नॉट गोइंग टू. मेरा खाना जल रहा है अंदर.